नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं चित्र आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। दादा पीएम, चाचा सीएम और पिता रहे मंत्री, अश्लील वीडियो स्कैंडल में फंसे 33 साल के सांसद प्रज्वल की ऐसी है कुंडली। केरल में 50% घट गए पर्यटक, अन्य राज्यों के लिए भी खतरे की घंटी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत, गिरफ्तारी पर आज सुनवाई, हाई कोर्ट से लग चुका है झटका। प्रफुल्ल पटेल की सारी दादागिरी निकाल देंगे, दमन में राहुल गांधी ने बोला बीजेपी पर हमला। चेन्नई ने हैदराबाद से किया हिसाब बराबर, सिर्फ हराया नहीं बुरी तरह धोया। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। 33 साल के रेवन्ना पर 37 साल की मेड ने जिस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं, उससे कर्नाटक की सियासत में भूचाल आ गया है। मामले में SIT गठित कर दी गई है। जानिए यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे सांसद प्रज्वल रेवन्ना की पूरी कुंडली। प्रज्वल रेवन्ना एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा इस वक्त कर्नाटक और देश की सियासत में खूब हो रही है। रेवन्ना देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हैं। देवगौड़ा परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता और हासन से सांसद रेवन्ना इस समय अश्लील वीडियो स्कैंडल में बुरी तरह फंस गए हैं। उनके घर काम करने वाली मेड ने रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। 33 साल के रेवन्ना पर 37 साल की पीड़िता ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उससे कर्नाटक की सियासत में भूचाल आ गया है। केरल में अप्रैल के महीने से ही भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों की मुसीबत बढ़ाने वाली भविष्यवाणी की है। विभाग के मुताबिक इस बार राज्य में लू चलने की संभावना है। इस बढ़ती गर्मी का असर केरल के टूरिज्म बिजनेस पर भी पड़ रहा है। गर्मी की वजह से यहां टूरिस्ट आने से कतरा रहे हैं, यहां पर्यटन 40% तक नीचे गिर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में इस समय तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा बना हुआ है, जो कि नॉर्मल तापमान से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा है। एक दिन पहले ही पलक्कड़ में 41.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, जो कि पिछले 100 सालों में राज्य का दूसरे सबसे ज़्यादा तापमान है। विभाग की माने तो साल 2016 में यह तापमान 41.9 डिग्री दर्ज किया गया था। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ED की गिरफ्तारी और रिमांड को केजरीवाल ने चुनौती दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि तिहाड़ जेल ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को मिलने की इजाज़त रद्द कर दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एफिडेविट में गिरफ्तारी को गलत बताया गया है। एफिडेविट में कहा गया है कि परिवर्तन निदेशालय यानी ED के पास एक भी ऐसा बयान और सबूत नहीं है जिससे वह साबित होता है कि सबूतों को नष्ट किया है। कांग्रेस के दमन और दीव के उम्मीदवार केतन पटेल और दादरा नगर हवेली के उम्मीदवार अजीत महला के साथ मंच साझा करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि दिल्ली में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को बाहर कर देगी। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए और प्रफुल्ल पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी रविवार को केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के दमन शहर में थे, जहां उन्होंने दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ BJP और RSS एक देश एक भाषा और एक नेता की अवधारणा का प्रचार करके देश की संस्कृति विविधता को नष्ट करना चाहते हैं। इस सीजन में दोनों टीमों की ये दूसरी टक्कर थी और दोनों टीमों ने अपने अपने घर में जीत दर्ज की है। पहले मैच में सनराइजर्स ने हैदराबाद में चेन्नई को हराया था, वहीं दूसरी बारी में चेन्नई ने अपने घर में सनराइजर्स को धूल चटाई। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार 2 हार के बाद IPL 2024 में एक अहम और बड़ी जीत दर्ज की है। अपने होम ग्राउंड चैपॉक स्टेडियम में पिछला मैच हारने वाली ऋतुराज गायकवाड़ की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 78 रनों के बड़े
अंतर से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई ने पॉइंट्स टेबल में भी हैदराबाद को झटका दिया। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।